नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों के बारे में जो एक ही नाम से बनाई गई हैं। साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म के हिट और फ्लॉप के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे इज्जत नाम से बनी फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 जनवरी 1937 को रिलीज हुई फिल्म इज्जत इस नाम से बनी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में देविका रानी, अशोक कुमार, मुमताज अली और मधुरिका अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था फ्रांस ओस्टेन ने। हिमांशु राय ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म को लिखा था डॉक्टर जी नंदी और निरंजन पाल। यह फिल्म बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी थी। फिल्म का रनिंग टाइम है 144 मिनट। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जिनको लिखा था जे एस कश्यप ने, संगीत दिया था सरस्वती देवी ने। फिल्म के गानों को सुर में ढाला था देविका रानी, अशोक कुमार, मुमताज अली और सुनीता देवी ने, और ये सोशल ड्रामा फिल्म थी। IMDb ने इस फिल्म को 5.7 की रेटिंग दी है। 8 फरवरी 1968 को रिलीज हुई फिल्म इज्जत इस नाम से बनी बॉलीवुड की दूसरी फिल्म थी। फिल्म में धर्मेंद्र, तनुजा, जयललिता और बलराज सहानी अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था टी प्रकाश राव। FC मेहरा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म को लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी और दुलाल गुहा ने। यह फिल्म पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी। फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटे 15 मिनट। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जिनको लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है इस फिल्म को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के गानों को सुर में ढाला है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा भोंसले ने। क्या मिलिए ऐसे लोगों से और ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं फिल्म के प्रसिद्ध गाने। तकरीबन 40 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,60,00,000 रुपए कमाए थे और ये ड्रामा फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। IMDb ने इस फिल्म को 7.1 की रेटिंग दी है। 21 जून 1991 को इज्जत नाम की तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, संगीता बिजरानी, शक्ति कपूर और परेश रावल अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था अशोक गायकवाड़ ने। सलीम अख्तर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को लिखा था इकबाल दुर्रानी ने। यह फिल्म आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी। फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटे 30 मिनट। फिल्म में कुल 6 गाने हैं जिनको लिखा है आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के गानों को सुर में पिरोया है मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, सबीर कुमार, अनुराधा कोडवाल और कविता कृष्ण मूर्ति। नीला ना पीला ना लाल गुलाबी इस फिल्म का प्रसिद्ध गीत है। 2,63,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने 5,20,00,000 रुपए कमाए थे और ये एक्शन फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। IMDb ने इस फिल्म को 6 की रेटिंग दी है। फिलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।